नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खटाना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्वेस्टर सब में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों आज हमें नोएडा एक्सटेंशन के अंदर और आज हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये सामने आप देख रहे हैं 130 मीटर की रोड, इधर आपका किसान चौक है और ये गौर चौक के साइड से सीधी जा रही है। यानी दोस्तों दिल्ली से जब आप आते हैं गौर सिटी के पास में आपका गौर चौक आता है और गौर चौक से अगर आप दिल्ली नोएडा की साइड निकल जाते हैं एक साइड और दूसरी साइड आप जाते हैं ग्रेटर नोएडा। तो आप जब ग्रेटर नोएडा की साइड आते हैं तो आपका आगे जो चौक आता है किसान चौक, जहां से आप सावेरी गांव से निकलते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक में एंटर करते हैं और NH 24 पे आ जाते हैं। दोस्तों यही बिल्कुल बीच में आपका बना हुआ है बुलेयार्ड वॉक के नाम से, ये आपका एक मॉल है जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो सिर्फ 8 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखेगा तभी आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आएगी किस तरह से और क्या है। दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि गौर सिटी के पास में है, ये जो आपकी गौर सिटी के साथ में पूरी बेल्ट है मॉल की, तो इसी लाइन में बुलेयार्ड वॉक मॉल आता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो आपका गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल है और दूसरी साइड आपका गैलेक्सी डायमंड प्लाजा है, ये बीच में आए इन दोनों मॉल के। ये दोस्तों अगर मॉल की मैं बात करूं तो पहले आपका ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर तक आपका मॉल रहेगा और उसके ऊपर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेस है। ये जो हॉलीडे इन का आप सामने साइन देख रहे हैं, हॉलीडे इन कंपनी के साथ टाई अप है जिसने स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह लिए है मॉल से अपने होटल के लिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये एक एंट्री यहाँ से है मॉल की और एक दूसरी साइड से, आपकी एक एंट्री इस साइड से रहेगी, बिल्कुल 130 मीटर की मेन रोड के ऊपर है। ये जो आप सामने साइड में मॉल देख रहे हैं वर्किंग कंडीशन में है, ये आपका गैलेक्सी डायमंड प्लाजा है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और मॉल को देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जो भी प्रोजेक्ट है ना, ये आपके टू साइड ओपन प्रोजेक्ट है, इस साइड पर भी आपकी रोड है और पीछे की साइड पर भी रोड है। और अगर इसके डेवलपर की बात करें तो होम एंड सोल कंपनी ने इसको बनाया है, जो इन्वेस्टर क्लिनिक आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है इन्वेस्टर क्लिनिक, उसी की कंपनी है तो वो इसको डेवलप कर रहे हैं। ये आप यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे और यहाँ पे आपका पूरा पेड़ वगैरह लगा के ग्रीनरी बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों मॉल के कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपके पहले 3 फ्लोर मॉल के लिए रहेंगे, उसके ऊपर आपका 4th, 5th, 6th, 7th और 8th फ्लोर तक आपकी मल्टी लेवल पार्किंग रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी की सारी आपकी पार्किंग रहती है। फिर दोस्तों उसके ऊपर के जो फ्लोर है उनमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट है और आपके ऑफिस स्पेस है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और सारी की सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि होम एंड सोल जो कंपनी है वो इन्वेस्टर क्लिनिक की कंपनी है। ये देखिए इन्वेस्टर क्लिनिक का बोर्ड भी लगा हुआ दिख जाएगा। और जैसे ही हम आगे जाते हैं तो ये सोल सेल्स ऑफिस है होम एंड सोल कंपनी का, जिसने ये मॉल बनाया है। चलिए दोस्तों आप लोग एक बार पूरा का पूरा मॉल देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। Thank you.
दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फ्लोर आपके मॉल के रहते हैं, जिनमें मॉल की शॉप वगैरह रहेगी। और इसके ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मल्टी लेवल पार्किंग के लिए था, उसके ऊपर आपके ऑफिस स्पेस वगैरह बनते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से सारी की सारी चीज़ें रहती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर आपके मॉल के लिए रिजर्व है, उसके ऊपर के जो फ्लोर है आपका चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा फ्लोर, उनके ऊपर आपकी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो उसके ऊपर वाले फ्लोर है उनमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट बने हुए हैं होटल के लिए और आपके ऑफिस स्पेसेस है, तो इसलिए पार्किंग भी काफ़ी दी हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग है। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मॉल का पोर्शन है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा ये कंप्लीट पोर्शन मॉल का रहेगा। और दोस्तों मॉल का सबसे ऊपर का फ्लोर जैसे कि आप लोग जानते ही, उस पर आपके PVR वगैरह होते हैं और फूड कोर्ट रहते हैं। और दोस्तों अगर इस मॉल में हम बात करें तो पतंजलि ने भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया पतंजलि ने पहले ही परचेज कर रखा है। तो दोस्तों अगर होटल रूम की हम बात करें तो होटल में लगभग मोस्टली इन्वेस्टमेंट हॉलीडे इन कंपनी की है और मॉल के अंदर पतंजलि की काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो क्लाइंट वगैरह पहले ही इनके पास काफ़ी अच्छे है। ये लिफ्ट का स्पेस है ऊपर नीचे जाने के लिए, और मल्टी लेवल पार्किंग इसलिए दी हुई है क्योंकि ऑफिस स्पेस है काफ़ी सारे, तो दोस्तों पार्किंग की ज़रूरत पड़ती ही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट की कि हम इसमें 8 लाख से इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा वर्चुअल स्पेस के बारे में कि मॉल में हम क्या करते हैं, एक स्पेस परचेज कर लेते हैं जो आपका स्पेस अनलोकेबल होता है, उस पर कोई शॉप नहीं होती, कोई लॉक नहीं लगता। जैसे आपने मॉल में देखा होगा बीच बीच में कई सारी एक्टिविटी चालू रहती है, तो वो जो एक्टिविटी होती है वो होती है आपके वर्चुअल स्पेस में, तो उसके लिए मॉल वाले चार्ज करते हैं उनसे यानी जो एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कई बार कई बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए खड़े रहते हैं और कई सारे लोग होते हैं वो जो स्पेस यूज़ करते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो मॉल को जाती है। और दोस्तों मॉल वाले क्या करते हैं, जो अपने क्लाइंट होते हैं जिन्होंने वो वर्चुअल स्पेस परचेज किया होता है उनके साथ में एक करार होता है कि हम आपको इतना पैसा इस स्पेस के लिए मंथली पे करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसी मॉल की, मान के चलिए दोस्तों आपने यहाँ पे 50 स्क्वायर फिट का स्पेस परचेज किया जिसकी कीमत 15,000 रुपये स्क्वायर फिट की है, कुछ आपके अदर चार्जेस है और 12% आपको GST देना होता है, तो मोटा मोटा मान के चलिए 50 स्क्वायर फिट का स्पेस आपका 8 लाख रुपये का आएगा। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि आपका मॉल के साथ एक करार होगा कि पहले 3 साल तक आपको लगभग 8% का रिटर्न देगा मॉल, उसके बाद फिर अगले 3 साल के लिए आपको 9% और उसके अगले 3 साल आपको 10% का रिटर्न देगा, यानी आपका 9 साल के अंदर अंदर मॉल आपको 6.5 लाख रुपये के आसपास वापस दे देता है आपके स्पेस से। और 9 साल में जो आपकी कीमत बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की वो अलग रही, उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो दोबारा फिर मॉल के साथ में अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं और फिर से लीज इसी तरह से आपकी चालू हो जाएगी, या आप चाहे तो उस स्पेस को खुद से आगे रेंट आउट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट है, आज आपने पैसा लगाया और आज से ही आपकी रिटर्न आनी शुरू हो गई, यानी जब आप पैसा लगाएंगे तभी से बैंक मॉल आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा, और जो कीमत बढ़ेगी वो आपकी बेनिफिट रहेगा आपको अलग से, और उसके बाद 9 साल के बाद या 10 साल में आपका पैसा पूरा हो जाता है, उसके बाद आप रेंट आउट करेंगे प्रॉपर्टी को, तो वो आपकी बचत रहेगी एक तरह से। तो दोस्तों
बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता दीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।